हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोग सब जानते हैं, इस टाइम पे सिर्फ हमारी सिटी नहीं, हमारी स्टेट नहीं, हमारी कंट्री नहीं, ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं उसको, जो कि आपको पता है कोरोना वायरस, उसको अनऑफिशियली बोला जाता है कोविड-19 उसका ऑफिशियल नेम है। अब उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके, जैसा आपको पता है IBS के जो भी सेंटर्स हैं पूरे पैन इंडिया, वहां पर भी हम लोगों को क्लासेस रोकनी पड़ी, ताकि कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां पर काफी सारे बच्चे एक साथ बैठे और ये वायरस फैले। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ऑनलाइन जुड़े, आपको जो भी अपडेट्स हमको ऑनलाइन प्रोवाइड करें। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने SSC CHSL का एग्जाम भरा था और आप लोगों के काफी डाउट्स थे कि क्या ये एग्जाम हो रहा है, ये पोस्टपोन तो नहीं हो रहा। तो इस पर फाइनल नोटिफिकेशन आ गई है SSC की तरफ से और ये एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। पर यहाँ कुछ अपडेट्स हैं, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है टायर 1 का, वो होगा 17 से लेके 28th ऑफ मार्च तक एज पर शेड्यूल। तो एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं और 28 तक एग्जाम चलेंगे। और जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसकी डेट होगी 26 जून 2020। नेक्स्ट चीज, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए अपडेट्स हैं। जो कैंडिडेट्स है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन टायर 1, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, उनको जो उनका एग्जाम है होगा 17 से लेकर 28 तक थ्रू आउट दी कंट्री। तो जो जो आपके एग्जाम सेंटर्स थे वो वही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि जो वायरस है कोविड-19, इसकी वजह से काफी सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं, तो कुछ आपको यहाँ पर भी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब आपका कोई भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जो पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती है वो नहीं होगी, उसकी जगह पे आपका थंब इंप्रेशन किया जाएगा आपकी अटेंडेंस के लिए। तो बायोमेट्रिक्स की जगह अब आपको थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा अपना एक पेपर पे, जिससे कि कोई भी एक ऐसा डिवाइस ना हो जिसपे मल्टीपल स्टूडेंट्स उसको टच करें। उसके अलावा कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना खुद का एक मास्क लेके जा सकते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना खुद का मास्क लेके जाए। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो उस मास्क को एग्जाम के टाइम पे पहन भी सकते हैं, बस उनको वो मास्क उतारना पड़ेगा जब रजिस्ट्रेशन डेस्क पे उनकी फोटोग्राफ होगी। नेक्स्ट चीज, जो ये फोटोग्राफ है, जैसा आपको बताया पुराने नोटिफिकेशन में भी था कि इसको यूज किया जा सकता है फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट टायर्स, मतलब आने वाले टाइम में इस फोटोग्राफ को यूज किया जा सकता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। अगली चीज, कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो खुद का हैंड सैनिटाइजर्स लेके आए, स्मॉल साइज की एक आपकी ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर की बॉटल हो सकती है, और अपना वाटर बॉटल, पानी भी आप कैरी कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखें, वो जो बॉटल होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें से अंदर दिखना चाहिए कि वो कलर्ड बॉटल बिल्कुल भी ना हो। सेम गोज फॉर हैंड सैनिटाइजर बॉटल। कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना खुद का बॉल पॉइंट पेन भी लेके आ सके, और सेम चीज वो भी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए उसकी, वो एक कलर्ड बॉल पॉइंट पेन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट और वो भी बॉल पॉइंट, और कोई पेन यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। कमीशन ने यहाँ पर ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि क्लीनिंग की जाएगी, जैसे आपको पता है इन एग्जाम्स में कुछ चीजें जैसे माउस कीबोर्ड जिनको रेगुलरली यूज किया जाएगा, आपके टेबल्स, उनको काफी ध्यान रखा जाएगा कि रेगुलरली क्लीन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, ताकि अगर कोई भी वहां पर ऐसी चीज है जिसको बार बार टच किया जा रहा है तो उसको सैनिटाइज करें, ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा थोड़ा सा मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जाम सेंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की प्लान कर रहे थे, और अगर आपके पास घर में आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कोई आपकी आपके पास स्कूटर है बाइक है, तो आप कोशिश करें अपने प्राइवेट व्हीकल से जाएं वहां तक, पब्लिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप पब्लिक से जा रहे हैं, तो कोशिश करें वहां मास्क लगाएं, बोर्ड करने से पहले अपने आपको सैनिटाइज करें, बोर्ड करने के बाद अपने आपको सैनिटाइज करें, बस जिस भी तरीके से आप जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर में भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मास्क लगा के रखें, रेगुलर टाइम पे आप सैनिटाइजर यूज करें, जहां पर वो जो डायरेक्शन दी जा रही है उनको फॉलो करें, और वापस आते टाइम भी अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से बस से ऑटो से वापस आ रहे हैं, तो जैसे आप घर पहुंचे अपने हाथ मुंह आप जरूर धोएं, उसके बाद ही कुछ खाने की चीज को आप टच करें। तो ये सब बेसिक चीजें अगर हम इनको फॉलो करेंगे, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी हमको डायरेक्शन दे रही है, तो ये चीज इतनी मुश्किल नहीं होगी, हम काफी इजीली इसको कंट्रोल करेंगे। बस हमको छोटी छोटी जो चीजें इनका ध्यान देना पड़ेगा। तो इस फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम एज पर शेड्यूल हो रहा है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप अपना एक सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका वहां कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होगा, उसकी जगह पे आपका वहां पर थंब इंप्रेशन होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप इस वीडियो से मैं आपको एक एक अपडेट समझा सका इस एग्जाम से रिलेटेड। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।